हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तस्नीम और द कंप्लीट वुमन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं वो है जलेबी। ये जलेबी जो है फ्रेंड्स, ये हमारी ट्रेडिशनल स्वीट डिश है और इसे हर कोई खाना पसंद करता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ये हर किसी को पसंद आती है। अगर ये जलेबी हमसे मजेदार बने, स्वादिष्ट बने तो और भी ज्यादा मजा आता है। हम सोचते हैं कि ये जलेबी जो है वो हलवाई बना सकते हैं, हम घर में नहीं बना सकते, लेकिन यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजीली बन जाती है और ये बहुत ही मजेदार भी बनती है। तो मैंने इसे बनाया है बहुत ही आसान तरीके से, तो आप इसके स्टेप जरूर फॉलो कीजिएगा और इसे बनाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाते हैं क्रिस्पी क्रंची जूसी जलेबी। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदे का आटा, ये इस बाउल में ऐड कर रही हूँ। और ये मैंने 1/2 कप दही लिया है, ये भी इसमें मैं ऐड करूंगी। और ये मैंने 1 टेबलस्पून सूजी ली है, ये भी मैं इसमें ऐड करूंगी। ये सूजी की वजह से हमारी जलेबी के अंदर क्रिस्पीनेस आएंगी, मीन्स हमारी जलेबी क्रिस्पी बनेगी। और इसमें ऐड करूंगी मैं ये खाने का सोडा 1/2 टीस्पून। और अब हम इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी हमें ऐड करना है, देखिए थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून। अब हम इसको मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून और। वापिस हम इसे मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, हमें इसे अच्छी तरह मिक्स करना है, इसकी जो गुठलियाँ हैं सारी ख़त्म हो जानी चाहिए। इसको स्मूथ पेस्ट बनाएंगे हम। फ्रेंड्स, इसे तकरीबन हम 5 मिनट तक इसे मिक्स करते रहेंगे इसी तरह से। फ्रेंड्स देखिए, ये 5 मिनट तक हमने इसे मिक्स कर लिया है, इसके सारे लम्स जो है अभी ख़त्म हो चुके हैं, ये स्मूथ पेस्ट बन गया है, ये देख सकते हैं। अब ये थिक है, बहुत ज़्यादा ठीक है। इसको थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, थोड़ा सा पतला करेंगे, मीन्स थिक ही रहना देना है, लेकिन थोड़ा हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने 1 टेबलस्पून डाला है, अब इसको मैं मिक्स करती हूँ। इसका पेस्ट जो है पतला नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो हमारी जलेबियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। फ्रेंड्स ये देखिए, हमें जो इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए थी वो रेडी हो गई है। ये देखिए इस तरह से, ना ज़्यादा थिक है ना बहुत ज़्यादा थिन है, बस इस तरह से गिर रहा है। देखिए किस तरह से गिर रहा है, इस तरह से हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। अभी इसके अंदर हम फूड कलर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने ऑरेंज रेड फूड कलर लिया है, ये मैंने 1 पिंच लिया है, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और वापस एक बार मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक्कन लगाकर 1/2 आवर तक इसे रेस्ट करने के लिए रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 1/2 आवर हो चुका है और ये हमारा फर्मेंटेशन जो है रेडी है। हम इसको मिक्स करते हैं एक बार। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं इसका सिरप, मीन्स हम इसकी चाशनी बनाते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हमें एक पतीली लेनी है, ये इसके अंदर मैं ये 1 कप शुगर ऐड कर रही हूँ, शक्कर। और ये इसमें मैं 1 कप वाटर ऐड करूंगी, 1 कप शुगर, 1 कप वाटर। और इसके अंदर हम अब डालेंगे इलायची पाउडर, ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, ये भी इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें ये केसर ऐड करेंगे, ये मैंने 4 से 5 स्टेम ऐड की है केसर की। केसर का इसके अंदर फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। आपको अगर केसर का फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप जरूर इसे ऐड कीजिए, और अगर आपको केसर का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है तो आप इसे स्किप कर दीजिए। तो अब मैं फ्लेम को ऑन करती हूँ गैस के, शक्कर को मेल्ट होने तक इसे पकाती हूँ। फ्रेंड्स, हमें शक्कर को पकने तक कंटिन्यूसली हमें स्टीर करते रहना है। ये देखिए हमें शक्कर जो है अभी मेल्ट हो रही है, बस हम 1/2 मिनट तक अब इसको इसमें पकाएंगे। हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमें चाशनी कैसी चाहिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमें लेना है, ये देखिए इस तरह से, बस सिर्फ चिपकना चाहिए। तो हमारी चाशनी जो है रेडी हो गई है, अब मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने जलेबी का मिक्सचर रेडी किए हैं, इसको भरने के लिए ये मैंने दूध की ठेली ली है। आप चाहे तो कोई भी स्क्वीजी बॉटल ले सकते हैं, आप कौन भी ले सकते हैं। मैंने ये ठेली ली है क्योंकि ये हर घर में अवेलेबल रहती है, तो मैं इसमें आपको बता रही हूँ। ये मैंने इसको दूध निकाल के धोकर साफ कर ली है। अब मैं इसको यहाँ से कट लगाती हूँ। ये देखिए हम 1/2 तक इसको कट लगाएंगे, और ये एक बॉल के अंदर इसे हम रखेंगे सपोर्ट देने के लिए इस तरह से। और ये जो हमारा सारा मिक्सचर है वो हम इस ठेली के अंदर भर देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने सारा मिक्सचर जो है ये थैली में भर लिया है। अब हम इसके मुंह को
ऊपर से बंद कर देंगे ठेली के। और आपके पास रबर बैंड हो तो इसको रबर बैंड से टाई कर दीजिए, या आपके पास ऐसा धागा हो इस तरह से तो आप इसको इस पे लपेट के नॉट कर दीजिए। फ्रेंड्स अब इस बैग के अंदर हम यहाँ इसकी ऑपोजिट साइड से हम होल कर देंगे। होल हमें बारीकी करना है, ज्यादा मोटा होल नहीं करना है, नहीं तो हमारी जलेबियां हैं वो बराबर से नहीं निकलेंगी और अच्छे से बनेंगी नहीं। तो हम बहुत ही बारीक इसके अंदर होल करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा मैंने होल कर लिया है। ये हमें पैन लेना है, पैन के अंदर ये मैंने ऑयल डाला है। ये ऑयल हमें जितना डीप फ्राई के लिए चाहिए उतना नहीं लेना है, हमें बस इतना ही तेल लेना है कि हमारी जलेबी जो है अंदर फ्राई हो जाए। ये हमारा तेल जो है अभी मीडियम पे गर्म हो चुका है अच्छे से। हमें ये जो भी प्रोसेस है मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे ही करना है, ठीक है। तो अब हम जलेबी बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड इस तरह से, देखिए कितने अच्छे से हमारी जलेबियां फूल भी रही है। और इसे हमें बीच में से सील करना है इस तरह से। अगर आप इस तरह से बीच में से सील नहीं करेंगे आपकी जलेबियां जो है वो खुल जाएंगी, तो सील करना ना भूले, ठीक है फ्रेंड। बहुत ही इजीली ये बन जाती है, बस राउंड राउंड हमें हाथ घुमाना है और ये रेडी हो जाती है। बस आधे से कम मिनट तक हम इसे एक साइड से फ्राई करेंगे और अब हम इसे टर्न कर देते हैं सारी जलेबियों को। अब इसकी सेकेंड साइड भी हम सेम आधे मिनट से कम तक इसको हम फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप सेम मेथड यूज करेंगे तो आपकी जलेबी बहुत ही क्रंची क्रिस्पी और जूसी बनेंगी। तो फ्रेंड्स अभी मैं एक करछी में इसको निकाल लेती हूँ और अब हम इसे चाशनी में डिप कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमें तेल में से तुरंत निकाल के इसे चाशनी में डाल देना है। इसको एक मिनट तक हम चाशनी में डिप करके रखेंगे कि हमारी जलेबी जो है अच्छे से चाशनी को ऑब्जॉर्ब कर ले। हम इसे एक मिनट से ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि एक मिनट से ज़्यादा अगर हमने इसे चाशनी में रखा तो हमारी जलेबियाँ जो है वो नरम हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये एक मिनट हो चुकी है, अब मैं सारी जलेबियों को निकाल लेती हूँ। इस करछी में ही इस जलेबी को निकालूंगी मैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी जो भी एक्सेस चाशनी है वो निकल जाए, बस हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। वैसे ही हम सारी जलेबियों को फ्राई करते हैं, चाशनी में डिप करते हैं, एक मिनट रखते हैं और निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने सारी जलेबियों को मैंने निकाल लिया है। ये जो मिक्सचर मैंने आपको बताया था, क्वांटिटी जो बताई थी उसके अंदर से एटलीस्ट 19 से 20 जलेबी हमारी तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही क्रिस्पी और जूसी बनी है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितनी जूसी बनी है और कितनी क्रिस्पी है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और खाने में भी बहुत ही डिलीशियस है। तो देखा ना फ्रेंड्स कितनी ईजीली हमारी जलेबी बन जाती है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके आपकी प्रेशियस कमेंट भी मुझे दीजिएगा कि आपसे ये जलेबी कैसी बनी। और फ्रेंड्स इसे लाइक भी कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना ना भूले ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।